हेलो दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप जानते हैं 2019 की जो है वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। तो जोन के अनुसार कौन से जोन में आप फॉर्म भरेंगे, ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों का आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहा है। सर किस जोन से जो है अप्लाई करें, फॉर्म किस जोन से भरें, तो वैकेंसी के अनुसार मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस किस जोन से आपका जो है अप्लाई करना सही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी की बात आप जानते हैं दोस्तों कि एक एक जोन का अलग अलग जो है आपका वैकेंसी है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ें आपको जो है मैटर करना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ दोस्तों। लास्ट जो डिसीजन है फॉर्म भरने का, किस जोन से आप भरेंगे, वो जो है आपके ऊपर है। तो दोस्तों बात करेंगे, अगर आप कट ऑफ की बात कर लें, ठीक है, तो कट ऑफ की बात आप कर रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर जो बात निकल के आती है, कट ऑफ क्यों हाई जाता है, क्यों कम जाता है। तो यहां पर हाई जाने के चांसेस दोस्तों होते हैं आपका पेपर, पेपर का लेबल, साथ ही साथ आपकी वैकेंसी कितनी है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है अप्लाई कितने स्टूडेंट ने किया, ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी भी मायने रखती है। मान लीजिए आप ST से हैं, तो देखते हैं आप कितना कट ऑफ जो है नीचे गया है अपने। अगर आपने कट ऑफ देखा है पिछले ईयर का, 2015 में जो आप वैकेंसी निकली थी 2016 में, ठीक है, 2015-16 वाली को, तो उसको अगर आपने देखा है तो आप पता चल चुका होगा। तो दोस्तों बहुत चीजें मैटर करती है। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कहाँ कहाँ जो है भरना आपके लिए सही रहेगा। तो टोटल वैकेंसी की बात करें दोस्तों, अहमदाबाद आपका है यहाँ पर। अगर आप कैटेगरी देखेंगे दोस्तों, अगर आप EWS से हैं तो यहाँ पर देखिए आपका 97 है यहाँ पर जो है। अगर जनरल हैं तो आपके लिए जो सीट फाइट अप करने वाले हैं वो करने वाले दोस्तों 486 पे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है वैकेंसी के अनुसार आपको कौन कौन सा भरना चाहिए, वो मैं आपको टॉप जो है वहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से जो भरेंगे तो वो सही रहेगा। ठीक है, तो बात करें दोस्तों यहाँ पर अधिक से अधिक वैकेंसी की, जहाँ पे अधिक वैकेंसी होती है वहाँ पर अधिक जो है अप्लाई किया जाता है और करते भी हैं, जो आपका नॉर्मल जो दिमाग कहता है। ठीक है, तो बात करेंगे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आपकी वैकेंसी आपको मिल जाएगी वो आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों यहाँ पर मुंबई, जो आपके टॉप 10 में है मुंबई पे आप भर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको जनरल है तो आपको 1580 मिल जाएगा, EWS है दोस्तों तो यहाँ पर 388, OBC है तो 895, SC है तो 505 और ST है तो 297। फिर उसके बाद दोस्तों जो है आपके लिए बहुत ही फेमस जो है सिकंदराबाद हो सकता है, 3234 आपके पद आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपकी वैकेंसी के लिए, वैकेंसी के अनुसार जो आप भर सकते हैं, कंपटीशन सबको मिलाकर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, तो उसको आप भर सकते हैं दोस्तों कोलकाता जोन, कोलकाता जोन भर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ इसके बाद इलाहाबाद पे भी भर सकते हैं दोस्तों। तो इलाहाबाद की बात करेंगे तो जानते हैं कि जो है पढ़ने वालों को, तैयारी करने वालों का गढ़ है, तो ग्रुप सी की ये जॉब है, अच्छी जॉब है, तो जो है अपने जोन को छोड़कर कोई भरेगा नहीं। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट भरेंगे क्योंकि यूपी में पढ़ता है और यूपी के सारे स्टूडेंट इलाहाबाद जो है यहाँ पर भरने वाले हैं। तो चौथे या पांचवें नंबर पर इसको रखिएगा, मतलब जब भी आप कंपेरिजन करें तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर जो है अप्लीकेंट ज़्यादा है, मतलब कहाँ पर अप्लाई ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद को जो लोग फर्स्ट पे जो करने वाले हैं उनको मैं बता दूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, वैकेंसी भी ज़्यादा है और ए से पढ़ता है तो पहले ही वहां पर नजर जाता है। दूसरी बात यह है कि अधिकतर जो स्टूडेंट हैं इलाहाबाद में तैयारी करते हैं या इलाहाबाद से ही तैयारी किए हुए, जो भी आपके छोटे छोटे बनारस हो गया, गोरखपुर हो गया, इधर के आपके जो स्टूडेंट हैं वो आपके लखनऊ के हो गए, या फिर जो है दोस्तों आपके कानपुर के साइड के, आगरा के साइड के जो आपके स्टूडेंट हैं सभी जो है इलाहाबाद को फेल करते हैं यूपी में पढ़ने के कारण, बहुत ही ज़्यादा इसका कट ऑफ जो है जाने के चांसेस हैं। साथ साथ जो और भी जो आपके पॉपुलर हैं तो दोस्तों इसमें आप भर सकते हैं। देखिए अगर आप बिलासपुर भरें तो ये भी आपके लिए कुछ ठीक रह सकता है, साथ ही साथ दोस्तों चंडीगढ़ भी आपके लिए सही रह सकता है, चेन्नई दोस्तों जिन लोगों को मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ, मतलब मेरे को जॉब से मतलब है, कहीं भी जॉब करना हो तो चेन्नई बहुत ही सही आपके लिए हो सकता है, आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों आप गोरखपुर से भी भर सकते हैं, लेकिन हालांकि यहाँ पर वैकेंसी बहुत ही कम है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों, जिस भी जोन से आप भर रहे हैं तो ये आप समझ के चलिए कि ट्रांसफ़र आपका नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र का जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आप सोच रहे हैं या फिर ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है दोस्तों बहुत ही टाइम टेकिंग है, और आप जानते हैं कि कब ये ट्रांसफर होगा, जब वहाँ का बंदा, मान लीजिए आपने जो है दोस्तों भर दिया यहाँ भोपाल, तो भोपाल का बंदा जब, मान लीजिए आप इलाहाबाद से हैं तो इलाहाबाद जब ये आना चाहेगा तब आप जो है भोपाल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर है, तो आप समझ सकते हैं, तो बहुत समय लग जाता है, 5-5 10-10 साल
या 15-20-20 साल, यानी आप आधा जो है जॉब कर लेते हैं तभी भी हो जाता है, कई लोग का वो भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप ये कंफर्म मान के चलिए कि आपको वहीं पर जॉब करना है। ठीक है, तो आप अपने ही अगर जोन से भरते हैं तो आपके लिए सही रहेगा, जो भी आपके नज़दीक है। ये सभी चीज़ें दोस्तों आपके ऊपर है, लेकिन मैं बता दूं कहाँ कहाँ आपके लिए सही रह सकता है। तो आप बैंगलोर से भी भर सकते हैं दोस्तों, इसका कट ऑफ जो है थोड़ा कम जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जो है आप चेन्नई से भर सकते हैं, चेन्नई का भी कट ऑफ आपका सही रह सकता है। जो मतलब टॉप ट्रेंडिंग नहीं है, मतलब जहाँ पे जो अधिकतर जो स्टूडेंट नहीं भरते हैं, यहाँ पे मुंबई आप भर सकते हैं, 3 हो गया। और दोस्तों आप जो सिकंदराबाद भर सकते हैं, 4। और लास्ट में आप सोचिएगा दोस्तों इलाहाबाद भरने का, क्योंकि इलाहाबाद आप जानते हैं कि पूरी यूपी यहाँ पर आपकी अप्लाई करने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो देख के ही समझ चुके होंगे कि अब इलाहाबाद ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि ह्यूमन नेचर क्या है और कहाँ आपको फिल करना चाहिए। लेकिन लास्ट में मैं बता दूं दोस्तों, ये डिसीजन आपका है, आपको जॉब करनी है, कहाँ से आप भरने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए वो मैं बता दूं। 3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि वैकेंसी कितनी है, प्रीवियस कट ऑफ कितना गया था, और आपकी कैटेगरी कितनी है, मतलब कौन सी है और उसमें कितनी वैकेंसी है, उसके अनुसार से चलेंगे दोस्तों। तो आप बहुत ही अच्छे से जो है, एक ही आप जानते हैं कि एक ही अरबी से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अच्छे से जो है अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2019 के लिए मैंने आपको बताया कि किस जोन से जो है आपका भरना जो है फॉर्म फिल करना सही रहेगा। लास्ट डिसीजन दोस्तों आपका है, मेरी तरह या मैं बताऊं या कोई और बताए दोस्तों, तो उसके झांसे में नहीं आना है। आपको सब कुछ सोच समझ कर जो है आपको फिल करना है, क्योंकि बाद में जो है आरआरबी आपका चेंज नहीं हो सकता है। आप पहले ही समझ जाइए, एक बार सोच के जो है अपना जो है फॉर्म को फिल करिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारे वीडियो पसंद आया, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ साथ अगर आपने देखो जी को स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड का बटन है सब्सक्राइब, और बगल में बेल आइकन है दोस्तों, देखो जी को स्टडी जो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज के अपडेट आपको मिलते रहे। देखते रहिए देखो जी को स्टडी, मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।